नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमने इससे पहले भी एसिडिटी और हार्टबर्न को लेकर वीडियोस बनाए हैं, जिनमें हमने चर्चा की थी कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन करें जिससे कि आप एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या से राहत पा सकें, और एसिडिटी और हार्टबर्न होता क्या है इस पर भी बात की थी। यह दो वीडियोस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको उन्हें भी ज़रूर देखना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मेडिसिन का प्रयोग करना ठीक नहीं रहता है, ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हम आपको बता रहे हैं, वस्तुएं हैं जो कि हमारी रसोई में बढ़िया आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आप उनका सेवन अपने प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं तो वह सेफ भी है और आपको एसिडिटी की समस्या से काफ़ी राहत भी मिलेगी। दोस्तों चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाएं बादाम का सेवन करती हैं तो उन्हें एसिडिटी की समस्या से काफ़ी राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान बादाम का सेवन कैसे करें इस संबंध में हमने कंप्लीट वीडियो दिया है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। अदरक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में मिल जाता है, खासकर सर्दियों के मौसम में यह उपलब्ध रहता है। यह एसिडिटी को दूर करने में काफ़ी मदद करता है, सीने के जलन में यह काफ़ी कारगर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय इसका प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में आप सुबह के समय, दोपहर के समय दही का प्रयोग अपने भोजन में कर सकती हैं, मट्ठे का प्रयोग भी कर सकती हैं, और आपको इन दोनों चीज़ों का प्रयोग अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये नेचर में ठंडे होते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद भी करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रात के समय दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एलोवेरा भी एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे हम सभी अपने घरों में उगा सकते हैं और उगाते भी हैं। इसके अंदर एसिडिटी को दूर करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसके रस का प्रयोग या गूदे का प्रयोग आप प्रेगनेंसी के समय कीजिए, यह बिल्कुल सेफ है। आप 2 से 3 चम्मच एलोवेरा गूदा अपने भोजन में शामिल करें, रोज़ लें, इससे एसिडिटी में राहत मिलेगी। हर मौसम में प्राप्त होने वाला फल नींबू भी एसिडिटी को दूर करने में काफ़ी कारगर माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका प्रयोग करें, यह आपको काफ़ी फायदा देगा। एसिडिटी को दूर करने के लिए सौंफ का प्रयोग भी किया जाता है, इसका प्रयोग करने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है, खाना खाने के बाद खा सकते हैं और एसिडिटी में भी राहत मिलती है। सौंफ के अंदर कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे लाभकारी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के समय सौंफ का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए ऐसा माना जाता है। ठंडा दूध प्रेगनेंसी के दौरान रामबाण उपाय माना जाता है क्योंकि यह सीने के जलन, पेट के जलन में लाभदायक होता है। आप ठंडे दूध में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसका प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। आप दूध उस वक्त लें जब आपको यह दूध पचता है, क्योंकि बहुत से लोगों को सुबह के नंबर में दूध नहीं पचता और बहुत से लोगों को शाम के नंबर में दूध नहीं पचता है, तो जिस टाइम आपको यह पचता उस वक्त लें। प्रेगनेंसी में कभी कभी आप एसिडिटी को दूर करने के लिए इलायची मुंह में रखकर चूस सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। तुलसी भी एक लाभदायक और औषधीय पौधा है, तुलसी की पत्तियों का प्रयोग आप गर्म पानी में डालकर करें या चबाकर, इससे एसिडिटी में राहत मिलती है। जीरे का चूर्ण बना लें, इसके 1 चम्मच चूर्ण को 750 ml पानी में लगभग पौन लीटर पानी में उबाल लें और उसका प्रयोग करें, यह सुरक्षित है, एसिडिटी में काफ़ी लाभकारी होता है। आंवले का प्रयोग भी प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी में राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो आप इनमें से कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं उन्हें कीजिए, जो आपको लाभदायक हो, सूट करते हो, आपको राहत अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।